Cue. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही नेगलेक्टेड टॉपिक पर्सनल फाइनेंस के बारे में। MBBS में आने के बाद और निकलते तक सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं लोग। MBBS करिकुलम में एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ भी पढ़ाया जाए। बस इसी डेफिसिट को कम करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर तन्मय। इनका क्या इंट्रोडक्शन दूं मैं, आप बस जाके एक बार ट्विटर पे टाइप कर लेना, आपकी भी आंख फट जाएगी जैसे मेरी फटी थी। वेलकम सर। थैंक्स फॉर दैट हम्बल इंट्रोडक्शन मेरे लिए। सर, एक्चुअली सर इज करेंटली सर्विंग एज सीनियर रेजिडेंट इन आर हॉस्पिटल इन आर आई मीन द एम्स जोधपुर, एंड सर ऑल्सो appears on various news channels for his financial, what can we say? I want to say prowess, the financial prowess sir has in this domain. So मैं बस इसलिए ये सब बता रहा ताकि audience को पता चले कि ऐसे किसी को मिला के नहीं मिला है। सर को सब जानते हैं, अपने जाके पूछना प्रोफेसर से, बस MBBS में थोड़ा कम जानते होंगे, लेकिन you have the right guy, right? So sir, directly targeted question से पहले I'd like you to explain the importance of being able to manage your own expenses, especially to kids. Kids, I mean the first year students. Right now, I feel old when you say MBBS वालों को kids. So, you know, एक बहुत famous example है जहाँ पे एक आ जाता है कि basically कैसे पैसा बढ़ता है उसको अगर समझना है आपको, और क्यों जरूरी है हमारे level पे सीखना at young age, उसको समझने के लिए दो examples हम देखते हैं। पहला example ये है कि एक ना एक king होता है, ठीक है, वो अपने किंगडम में एक बहुत सयाना सा बंदा होता है, द विटी गाय। वो कुछ अच्छा करता है उसके लिए, उसको कहता है कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो। नाउ दिस गाय हैज अ नॉलेज ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी है उनको भी पता होगा कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा सा। सो वो कहता है कि आप मैं मांगूंगा आप दे नहीं पाओगे, तो किंग गेट्स ऐसे ना कि यार तू कौन होता है मुझे कहने वाला ऐसे, तो मांग जो मांगना है मैं दूंगा तुझे। तो कहता है यू हैव टू पुट गोल्ड, है ना, चेस का जो स्क्वायर है बस उतना देना है मुझे आपको। इट्स लाइक ही स्टार्टेड लाफिंग कि यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोला लेकिन मेरे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एवरी सेकंड स्क्वायर शुड हैव द डबल ऑफ द प्रीवियस स्क्वायर, ठीक है, उतना गोल्ड आपको देना है। तो फर्स्ट वाले में एक गोल्ड का टुकड़ा रखा, से 1 ग्राम और समथिंग लाइक दैट। सेकेंड वाले में 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 to 56, 1012, अभी तो ये 7 या 8 स्क्वायर हुए थे, ठीक है। इतना करते करते जब वो देने जाता है तो पूरे स्क्वायर खत्म नहीं हो पाते, उसके पूरा किंगडम बिक जाता है, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो शायद हमको सीखनी होती है। उसको समझने के लिए अगर मैं बताऊं तो आपको कंपाउंडिंग का फॉर्मूला नहीं पता हो तो भी आप अपना वेल्थ कंपाउंड कर सकते हो या अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। वो कैसे करते हैं? दो कंपोनेंट बेसिकली होते हैं, एक होता है रिटर्न वाला पार्ट, एक होता है टाइम वाला पार्ट। टाइम इज द बिगेस्ट फैक्टर। एक जो मेरे गुरु है या जो मैं जिनसे सीखा या जिनसे इंस्पायर हुआ, सीखा तो क्या है, आई एम नोबडी इन फ्रंट ऑफ हिम, तो हिज नेम इज वॉरेन बफेट, ठीक है। तो वॉरेन बफेट इज अमंग द टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड ही मेड हिज एंटायर वेल्थ इन्वेस्ट करके, ठीक है। और वो स्टार्ट किया 11 साल की एज में, और वो कहते हैं कि आई स्टार्टेड माई जर्नी एट 11 एंड आई फील दैट आई एम 11 ईयर्स लेट, ठीक है। तो हमारे लिए ये है, आई विल गिव एन एग्जांपल, जब आप सीखोगे पर्सनल फाइनेंस तब शायद समझ में आएगा। एक पर्सन है 18 इयर्स के एज पे स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना और वो हर साल 50,000 लगाता है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आप 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, जो आपको समझ में है वो ले लो। हर साल वो 5,000, 10,000, 50,000 रुपए लगाता है एंड ही डज इट कॉन्स्टेंटली फॉर 8 ईयर्स, 18 साल से 26 साल की एज तक वो करता है। उसके बाद यू नो अपने फ्रेंड्स होते हैं कॉलेज में जो कहते हैं कि यार तू पागल है इतना सेव कर रहा है, एक काम करते हैं इससे अपन गोवा की ट्रिप करते हैं, पार्टी करते हैं, ये करते हैं। तो वो कहता है कि नहीं मैं ये पैसा नहीं निकालूंगा, अपन अब जो पैसा वो नहीं लगाएंगे। नाउ देयर इज अनदर पर्सन 26 के एज में, उसको रियलाइज होता है, वो रेसिडेंसी में आ जाता है ना, उसको कभी कुछ पता नहीं था पर्सनल फाइनेंस का, जब टैक्स कट होने लगता था उसको ये रियलाइज होता है कि यार अब कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, नहीं तो पैसे बन नहीं रहे। अब तो हमारी फील्ड इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है, प्लस रूल्स इस तरीके से चेंज हो रहे हैं कि पैसा यहाँ ज्यादा है नहीं उतना। तो यहाँ पे अब उसने चालू किया 26 के एज पे और वो भी 50,000 लगा रहे साल के। नाउ अगर मैं कंसिडर करूँ कि ये बंदा 26 से 60 ईयर्स तक लगाता है, से 34 ईयर्स टोटल पीरियड वर्सेस अ पर्सन 8 ईयर्स जिसने लगाया, अगर मैं मान लूँ कि दोनों को सेम रिटर्न मिल रहा है पर्सन ए और पर्सन बी को,
एट द एज ऑफ 60 ईयर्स अगर हम सोचें तो किसके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, द पर्सन बी जिसने 34 साल तक लगाए एवरी ईयर 50,000 रुपीज वर्सेस द पर्सन हु हैज जस्ट डन फॉर 8 ईयर्स? तो कॉमन सी बात है, जिसने ज्यादा टाइम तक लगाया है उसके पास ज्यादा पैसा बट होना होता चाहिए। ऐसा नहीं है. तो दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पे पर्सन ए वुड हैव ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मनी दैट पर्सन बी इज हैविंग. ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आज की डेट में हमारा जो यूथ है या जो यंग मेडिकोज हैं उनको जल्दी स्टार्ट करना है. इट डजेंट मैटर कि आप 500 से चालू करते हो, 1,000 से चालू करते हो, 1,500 से करते हो. एक बात एक बार समझा दो इन सो बालकों को। सी एक 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 मैं कहता हूँ इसे पार्टी फंड कहता हूँ मैं. ठीक है, 500 रुपये तो यार 500 रुपये की पार्टी तो कर लेते होगे, झूठ मत कहना कि 500 रुपये भी नहीं है सर घर पे कुछ सर मैं खाया. बता दूं, मैं बता दूं। आई आस्क माय फ्रेंड ऑन इंस्टाग्राम कि कैसे, मतलब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू एंड मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा बाकी सारे दोस्तों से कि कहाँ कहाँ जाता है पैसा, तो मुझे ठीक ठाक चीज दवाई मिले तो दे सेड के गोइंग आउट विद फ्रेंड्स टू ईट, गोइंग आउट ऑन डेट्स विद गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स, और डिपेंड करते हैं देखो गोल्ड डिगर कौन है उसका पैसा लगता है। इसके अलावा सर क्लोथ्स, गैजेट्स, बुक्स, मुझे नहीं लगता है तुम लोग बुक्स खरीदते हो, झूठ ना बोलो, एंड ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, बुक्स के नाम पे पैसे आते हैं ना घर से. सो एक एक और बड़ा सोर्स है आज की डेट में वो जोमेटो. ठीक है, जो घर पे आके ऑर्डर करता है. तो व्हाट व्हाट आई सी इज बहुत सारे लोग हैं जो मैनेज ही नहीं करते कि मतलब यू नो इफ इफ यू आर अ सर्जन इफ यू डोंट नो ब्लीड कहाँ से हो रहा है तो पर्सन कैन ब्लीड टू डेथ अगर उसको कोई डायस्टेसिस है या फिर कोई मेजर वेसल ब्लीड कर रहा है. तो आप अगर ब्लीडर पता नहीं करोगे या जहाँ एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो पता नहीं करोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू सेव. तो फर्स्ट थिंग है कि आप अगर बचा नहीं पा रहे हो ना तो एक बार ये देखो कि कहाँ पे बच सकता है, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो एसेंशियल हैं, कौन से हैं जो डिस्क्रिशनरी हैं. तो उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हम डिले कर सकते हैं. 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है बचा. सेविंग्स की बात हम करते थे, डिटेल में रहते हैं. अभी आपने सर बात जब मैंने पूछा कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस, तो आपने मोटा मोटा इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा जोर दिया. अब आपने ही मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि पर्सनल फाइनेंस के बहुत सारे डोमेन होते हैं, बजटिंग, उसके बाद बैंकिंग आता है, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है. तो इट्स ऑल राइट, मतलब इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट योर मनी, यू हैव टू ग्रो योर मनी, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, यू हैव टू ग्रो योर मनी फास्टर देन द इन्फ्लेशन रेट, सो दैट इज ट्रू. बट व्हाट इज आई थिंक जो मेरे को ज्यादा जरूरी लगता था फर्स्ट ईयर में, दैट वाज बजटिंग. मुझसे होती ही नहीं थी, ऑलवेज आई यूज्ड टू रन आउट ऑफ कैश बाय द एंड ऑफ मनी एंड आई वाज नॉट इवन अर्निंग बाय देन. We are all dependent on our parents, most of us, by the time yes. we enter the college, we are all dependent on parents and we are dependent for a very long time, 5.5 years, like I'm 23 right now and still have to ask for money for subscriptions of various apps. So that feels a bit insulting to oneself. So budgeting pe sir, I want to, main thoda zor budgeting pe dena cha raha tha sir. Okay. Budgeting kaise kare, how to start the process of budgeting. So start karne ke liye sabse pehli baat, विच आई सेड कि यू नीड टू हैव, और जैसे आप डायरी लिखते हो या कुछ लोग अपना जर्नलिंग करते हैं जिसमें अपना क्या गोल्स हैं, जैसे कि सपोज आपको एनएट पढ़नी है, आप कोचिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है, या फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, यू हैव 7 डेज फॉर एनएटमी. तो आप 7 डेज में अपना रोज का टाइम कैलकुलेट करते हो ना कि इतने दिन में मैं अपर लिम कर लूंगा, लोअर लिम कर लूंगा, थोरैक्स कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. यू मे ओवरशूट इट, बट एटलीस्ट अगर आप करते हो ना तो से आप 9 डेज, 7 डेज का प्लान किया था, 9 में खत्म करोगे, कर लोगे. इफ यू डोंट ट्राई देन यू विल श्योरली फेल. ठीक है, तो ट्राई तो करना पड़ेगा. तो उसमें हम क्या ट्राई करेंगे, इसमें व्हाट वी विल डू इज कि हमारे पास कितना इनकम आता है या जो भी स्टाइफंड आती है या जो घर वाले भेजते हैं वो, उसमें से आपके एक्सपेंसेस क्या है, वो आर यू एबल टू सेव अर नॉट. तो हमारा टारगेट ये करना है शुरू में, फर्स्ट टारगेट शुड बी सेव 500 रुपीज टू बिगिन विद. एंड मैं कह रहा हूँ आज 500 रुपए से इन्वेस्टिंग चालू हो सकती है. ठीक है, एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल फॉर एनी 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 लेमैन पर्सन. और अगर आज ये शुरू कर दिया ना, लाइक यू विल थैंक मी 10 ईयर्स डाउन द लाइन. मैं मेरे पास ऐसे डॉक्टर्स आते हैं जो 40s में हैं, 50s में हैं, आज तक कभी इन्वेस्टिंग की नहीं, कभी कुछ पता नहीं रहा. एंड नाउ यू नो देर इज अ फेमस लाइन इन अवर फील्ड की डॉक्टर्स अर्न फॉर देयर किड्स. ठीक है, तो ये हमें अगर चेंज करना है तो हमें सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम रखना पड़ेगा. सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनने के लिए ना, दिस इन्वेस्टिंग इज लाइक अ बैम्बू ट्री. तो आज 500 रुपए डालना चालू करोगे ना तो अगले साल क्या होगा, आपको 500 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो 1,000 पे मिलेगा. और 1,000 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पे, 1,000 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, सपोज 1,012 रुपए मिल गए तो 1,012 पे अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा, फिर
सपोज उसमें 500 और आपने ऐड कर दिया और 12, 14, 15 रुपए, 20 रुपए जो भी हो गया, तो पूरा ऐसे करके कॉर्पस बढ़ता चला जाता है। एंड जब तक आप मेडिकल, अपना करिकुलम इतना बड़ा है ना कि आपको इनफ टाइम मिल जाएगा कंपाउंड करने के लिए, आपको पढ़ते पढ़ते ही जिंदगी निकलनी है। लाइक आई एम 29 राइट नाउ, आई एम फिनिशिंग माय एमसीएच, ठीक है, तो दिस इज द पूरा फ्रेश 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 निकला, तब 29 में खत्म हो रहा है एमसीएच। आप बहुत लोगों को कहीं रूरल सर्विस करनी है, बॉन्ड्स करने हैं, तो आप 34, 35 हो जाते हैं। 34, 35 तक अगर आप कुछ पैसा नहीं बचा पाए हो ना, यू आर इन अ बिग बिग ट्रबल, और फिर आपके बच्चे ऐश करेंगे आपके पैसे से, आप फिर यू नो यू सर टेंशन कीप मत लीजिए, 10 साल कर्सिंग। वेट नहीं करना सर को थैंक्स बोलने के लिए, अभी जाओ कमेंट सेक्शन में और लिख दो यार एक थैंक यू सर, ठीक है ना। नहीं चालू करना है, आई विल थैंक यू, आई विल थैंक यू। आप चालू करो अभी 500 रुपए से बचा, देखो फर्स्ट थिंग इज सेव 500 रुपीज, फिर उसके ऊपर बढ़ा सकते हो, तो उसके बाद बढ़ाना भी है, और यहाँ पे हम सीखना भी चालू करना है, यू नो कि बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे अंडर ग्रेड्स को ये भी नहीं पता होता कि बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट का क्या मतलब है, एफडी में क्या रिटर्न मिलता है, क्या चीज़ें, तो उसके बारे में सीखना है। सेकेंड चीज़ हमें डीमैट अकाउंट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी लिटरेसी लेना चालू करना है। सारे मतलब अंडर ग्रेजुएशन का ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपको पूरा भरपूर टाइम होता है, ठीक है, अगर आप अपनी बंदी से 4-5 घंटे रात भर चैट कर सकते हो, तो आप इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, लाइक गिव यू एन एग्जांपल टू मोटिवेट, दिस इज नॉट टू ब्रैग और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इन माय रेसिडेंसी इन लास्ट फ्यू इयर्स, आई हैव बीन टू दुबई, आई हैव बीन टू स्विट्जरलैंड, आई हैव बीन टू स्पेन, एंड दिस ईयर आई एम गोइंग टू इटली, एंड ऑल ऑफ दिस एक्सपेंसेस आर स्पॉन्सर्ड बाय स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, ठीक है। एंड एंड इफ यू स्टार्ट अर्ली, आई एम टेलिंग दिस इज वेरी मच पॉसिबल फॉर एवरीवन। मैं ट्रेड करने नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह खरीदो शाम को बेचो, ये करो। सट्टा लगाने नहीं कर रहे सर, ठीक है, पैसा बचाने के लिए कर रहे सर। बजटिंग पे एक बार एक लास्ट थॉट देते हैं, आपने बताया कि हमें देखना है कि पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है, आ तो एक ही जगह से रहा है, कितना आ रहा है, तो तीन दो जगह से पैसा आ रहा है और बहुत सारी जगह जा रहा है, तीसरी चीज आपने बताई कि उसमें से सेव करने की आदत डाल दी। स्टार्ट विद 500, 500 रुपए महीने का बचाना है। 500, आई डोंट थिंक 500 इज टू मच, मतलब इतना तो एक टाइम भाग, और अगर नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा तो 100 रुपए तो बचा लो, अभी बचा लो यार, 100 बचा लो, चलो। सर ये तो करेंगे लोग, ट्राई करेंगे बचाने की, इसके अंदर मिस्टेक्स क्या क्या होंगे लोगों से, आपको आपको हर चीज का एक्सपीरियंस हो चुका है, स्टार्ट करेंगे लोग आज वीडियो देखेंगे कल से शुरू करेंगे 100 रुपए बचाएंगे, मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं? मिस्टेक्स देखो सबसे पहले ये होता है, हमारे अंदर टेम्पटेशन होता है, ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अब सपोज आपने सेव करना चालू किया 500 रुपीज, आपको लग रहा है कि ये बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, मैं 500 रुपये महीना लगा रहा हूँ, 100 रुपये महीना लगा रहा है, जो भी कर रहा हूँ, ये बढ़ नहीं रहा है अभी, तो मैं ये कह रहा हूँ इसको आप अगले 15 साल मत देखो, ठीक है। तो वो नहीं देखोगे तो सडनली यू विल रियलाइज कि दिस हैज ग्रोन इनटू समथिंग वेरी वेरी बिग अमाउंट। धीरे धीरे आप बढ़ाते भी जाओगे, आपकी जब सैलरी मिलनी चालूगी, तो पहला चीज़ ये है कि आपको ये निकालना नहीं है, हैव टू प्रॉमिस मी कि ये पैसा आप 15 साल तक नहीं निकालोगे अगले, ठीक है। दिस इज समथिंग यू आर पेइंग योर सेल्फ फॉर जितनी आप घिसवा रहे हो अपनी, ठीक है। सो सेकेंड चीज इज कि यू नो देर विल बी टाइम्स जहाँ पे आप अपना मंथली एक्सपेंस यू नो एक्सीड कर जाओगे, तो हमेशा ये एटीट्यूड अपने लाइफ में रखना कि जैसे ही सैलरी आता है या आपका स्टाइपेंड आता है या आपके घर वाले पैसा भिजवाते हैं, पहले सेविंग आएगी, पहले एक्सपेंस नहीं आएगा। सो डे वन जहाँ आपका पैसा अकाउंट में आता है, वहां पे आप 500 निकाल दोगे तो बचने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इंसान उतना ही पैर फैलाता है जितना उसके पास चादर हो, है ना। तो आप उधारी लोगे जो भी करो, फिर आगे जो भी तो ये सेविंग की आदत डालो। और तीसरी चीज, जब कुछ मतलब आपका अनड्यू एक्सपेंसेस आ जाते हैं, सपोज आपको ना एक फोन अच्छा लग गया, या आज आज मुझे प्रिंस का पॉडकास्ट देख लिया, मुझे पॉडकास्टर बनना है, या फिर मुझे आज यू नो यूट्यूब चालू करना है और मुझे उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, अब उसके लिए माइक 20 हज़ार 25 हज़ार का आ रहा है, या मुझे आईपैड चाहिए, छोटे मोटे टैब नहीं चाहिए, है ना, आईपैड 50-60 हज़ार का मुझे खरीदना है, वो भी नहीं प्रो खरीदना है सीधा, है ना। तो नाउ वहाँ पे आप क्या करोगे कि आप अपनी लिमिट एक्सटेंड करोगे, और वहाँ पे दो चीज़ें आप कर सकते हो, या तो अपनी पुरानी सेविंग काट दोगे, तो आपने मैंने पहले ही बोल दिया कि नहीं निकालनी है, तो फिर दूसरी जगह आप जाओगे ईएमआई। नो ईएमआई इज द सेविंग दैट यू आर गिविंग टू द कंपनी। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एसआईपी, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टम बनाते हैं हम कि हर मंथ पे इस तारीख को हम आप खुद को पे करेंगे। लेट्स बिगिन विद दिस, है ना, कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है आगे जाके, लेकिन शुरू करने के लिए हम ये रखते हैं कि वी आर पेइंग आवर सेल्फ हर मंथ की, सपोज 5 तारीख को, ठीक है,
ईएमआई इज द एसआईपी दैट यू पे टू द कंपनी। तो आप, मैं जब कह रहा था ना कि 15 साल आपने पास ये पैसा रखोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आप कंपनी को पे करोगे तो कंपनी का पैसा भी बड़ा हो जाएगा। ईएमआई नहीं लेना है, उधार की टोपी नहीं पहननी है, ठीक है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग बोलेंगे अरे सर दारू का भी खर्चा होता है, लड़की का भी खर्चा होता है, इसका खर्चा होता है, उसका खर्चा होता है, मोबाइल होता है, ये होता है, आपको क्या पता यार। लेकिन यू नो इफ इफ यू फाइंड एक्सक्यूजेस देर आर 1000 एक्सक्यूजेस दैट यू विल फाइंड, एंड इफ यू फाइंड अ रीजन टू इन्वेस्ट देर इज वन रीजन विच इज जो भी। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, आई कैन से बहुत लोग होते हैं जो 34, 35, 40 ईयर्स पे रिटायर हो सकते हैं। दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि आप कुछ काम ना करो, आप बस जितना पैसा है उसको इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते रहो, आपकी लाइफ मजे से चलेगी। आई कैन रिटायर अर्ली बट सी, मेरे लिए रिटायरमेंट का मतलब ये है कि आई विल लिमिट द अमाउंट ऑफ वर्क, कि मैं सारा दिन काम नहीं करूंगा या पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। नहीं, आई विल वर्क बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ माई फ्यूचर वाइफ जो होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरी फैमिली होगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स होंगे। सो सर कहना चाह रहे हैं कि छोटी सी आदत, बस अभी अगर आप आज 100 रुपए भी बचाना शुरू करते हो और इसको अपनी अंदर एक आदत के रूप में इम्बाइब कर लेते हो, यू कैन जस्ट सेव सो मेनी इयर्स लेटर। आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो यू यूज टाइम इन द इनिशियल फेज ऑफ योर लाइफ टू अर्न मनी एंड देन यूज मनी टू बाय टाइम। पैसा बचाना हम सिखा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन पैसा कमाने के लिए पीजी तो करनी पड़ेगी, और पीजी करने के लिए आई हैव एन ऑफर फॉर यू फ्रॉम पीडब्ल्यू। डॉक्टर टाइटल के बाद नीट पीजी क्रैक करना है तो बढ़ते कंपटीशन, कम वैकेंसीज और टफर एग्जाम्स के बीच आपको चाहिए एक सही गाइडेंस। वो प्रोवाइड करने आया है फिजिक्स वाला नीट पीजी, अवेलेबल ऑन इट्स एप्लीकेशन पीडब्ल्यू मेडेड। मेडेड एक नया इनिशिएटिव फ्रॉम पीडब्ल्यू जो हेल्प करेगा आपको कंप्लीट सिलेबस सीखने नीट पीजी / एफएमजी आपके पूरे सफर में। India's best faculties आपको help करेंगे with well-structured recorded lectures. Check out the batches from the PW MedEd from first year to intern and post-internship. एक vast question bank की जगह आपको MedEd के साथ मिलेगा एक concise और accurate question bank जिसमें सिर्फ important questions होंगे। Test series भी available होंगे जिसे आप अपनी confidence बढ़ा सकते हैं। और PW का tried and tested method जो देगा आपको best chance for best marks। यही नहीं, MedEd is extremely affordable with a subscription model. Just choose and crack NEET PG in one go. To know more, check the description code and you'll find a coupon code there for extra discount. Download the MedEd app now and start your PG preparation today. हमारे लिए टाइम का कांस्टेंट होता है। देखो आज तुम ऐसे बिल्कुल फ्री बैठे हो ना, तुम्हें लग रहा है कि शायद पैसा नहीं होगा, आगे पैसा बहुत होगा लेकिन वक्त नहीं होगा। मेरे से पूछो, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज हियर ऑन ड्यूटी। मेरे भाई की वेडिंग के लिए मुझे मुश्किल से 2-3 दिन छुट्टी मिली, वो भी आगे पीछे अरेंज करके। मेरे जूनियर्स की शादी हुई, उनको 10 दिन मिला छुट्टी गिन के, ठीक है, हनीमून करके 10 दिन में आना है, सब सब फटाफट फटाफट निपटाना है। तो आगे चल के भी आप अगर चाहते हो ना कि आपकी लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल हो, या जिसको रिसर्च पसंद है, रिसर्च के लिए टाइम चाहिए ना। अगर आप 9 या 8 AM से ड्यूटी करना चालू कर रहे हो और नेक्स्ट डे आप शाम को 5 बजे आ रहे हो, तो आपके पास टाइम नहीं है ना रिसर्च करने के लिए। सो इट कैन बी एनी मोटिवेशन। अगर आपको ट्रैवल पसंद है ट्रैवल, आपको व्लॉग करना है व्लॉग करो, आप फ्री टाइम चाहिए फ्री टाइम रखो, आपको जो करना है करो, उसके लिए आपको टाइम बाई करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड मनी, और उसके लिए आपको सेव करना चालू करना पड़ेगा, तब वो ट्री बड़ा होगा। एक मैंने आदत देखी है, मैंने अपने बैचमेट्स से भी देखा है, जूनियर्स से भी देखा है, आजकल सर ये इंस्टेंट जो लोन मिलते हैं ना, ऐप्स आ रहे हैं, कुछ शायद बैन भी हुए रिसेंटली, सर पीपल रन आउट ऑफ देयर मनी बाय द एंड ऑफ द मंथ, दे हैव नो नॉलेज, नो नॉलेज व्हाटसोएवर अबाउट पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल छोड़ो, इन जनरल ही नहीं पता कि फाइनेंस होता क्या है, दे एंड अप टेकिंग सच रिस्की लोन्स एंड दे, मतलब आप इस सबको कितना जायज मानते हो कि किस लेवल पे सच लोन्स आर वैलिड, या लेना ही नहीं चाहिए या नहीं लेना, मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन सच? एज अ लेवल ऑफ अंडर ग्रेजुएट, मेरा ये मानना है कि अगर लोन लेना है तो आपके पेरेंट्स जानते हैं कब लोन लेना है। तो आप अगर आपके एजुकेशन के लिए लेना है, आपके कुछ अपग्रेड करने के लिए लेना है, तो वो जानते हैं कहाँ लोन लेना है। प्रॉब्लम लाइज के सब कुछ नहीं पता होता नहीं, लेकिन अगर आप लोन ले रहे हो ना, तो मोर ऑफ नॉट जो वो रहेंगे वो नीड्स के लिए रहेंगे ना, जो आपकी बेसिक जो चीजें उसके लिए नहीं है, आपकी जो सुपरफिशियल डिमांड्स है ना कि काश मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए, बाइक लेनी है, बाइक छोटी नहीं लेनी, R15 लेनी है मुझे, CBZ लेना है, मेरे दोस्त के पास ही है। दिखावे की जिंदगी ना शुरू में अगर जी लोगे और दिखा के किसको खुश कर लोगे, अगला तुम्हारे पीछे बाद में जाके गाली देगा कि अरे यार इसके पास तो लोन लिया हुआ, ये हुआ, ठीक है जो भी है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ शो ऑफ लाइफ, खुद के लिए कुछ बिल्ड कर लो। लोन मोर ऑफन देन प्रॉब्लम क्या होगा कि आप खुद की सेविंग तो भूल जाओ,
आपकी जो अगले 3 महीने 4 महीने की जो आने वाली है, अब वो ऑलरेडी लाइनअप हो गई है आपकी कि आपको इसको पे करना है, उसको पे करना है, इसको पे करना है, उसको पे करना है। अगर आप अपनी इनिशियल एज में ही आदत डाल लोगे तो आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट लाइफ में। डॉक्टर को अगर खुद को बीपी हो, शुगर हो और उसको लाइफस्टाइल डिसीजेस हो, उसको नींद नहीं आती, तो वो दूसरों को क्या सिखाएगा? तो क्यों पालना है? तो वो बाबू राव बोलते हैं ना कि उधारी का टोपी चाहिए ही नहीं रहे बाबा, तो नहीं लेना उधारी का टोपी। तो इन सब ऐप्स के बाद चक्कर में देखो बिल्कुल नहीं पड़ना है। मेरे को तो पता ही था आज सर के मुंह से सुन लिया, तो आई गेस देयर इज अ फुल स्टॉप फॉर यू।